तो एक बात बताओ, अगर तुम मेरे सिंघम हो जी, तो अगर गुंडों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया जी, तो तुम क्या करो? मैं पांचवी तरफ से निकल जाऊंगा। कॉमेडी फिल्में अच्छी लगती है? कॉमेडी फिल्में अच्छी लगती है। That's how you like me, I think. वर्दी खोलिए। क्योंकि ऐसा है, ड्यूटी के टाइम हम खोल नहीं सकते। करीना जैसी गर्लफ्रेंड साथ में होने से अच्छी ड्यूटी होती है कि अच्छी ड्यूटी करने पे ऐसी गर्लफ्रेंड मिलती है? वो जो दिल वाले थी ना आपकी फिल्म जी, जब आपको रवीना छोड़ देती है, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसी वक्त बोल दिया था, मैंने कहा देखना एक दिन ये लड़का जितनी मोहब्बत करता ना, इसको रवीना तो क्या है, इसको करीना मिलेगी। मेरा नाम है मिट्ठू कवाल, इसमें कौन सी हंसने वाली बात है? क्योंकि दुनिया में पेट्रोल के बाद अगर दूसरी को लड़ाई होगी तो वो करीना पे होगी। थोड़ी देर पहले 1000 वॉट का बल्ब बताया जी, है तो फिर वैसा जनरेटर भी चाहिए जिससे 1000 वॉट का बल्ब। अब कोई वोडका पी के निकला, कोई ब्रांडी पी के निकला, कोई रम पी के निकला, अलग अलग ब्रांड मिक्स हो जाते हैं, हमारा अपना हैंगओवर हो जाता है। मैंने आपको छेड़ा? छेड़ के बताओ, ये ऑफर है? ये कौन? हमारे यहाँ के बहुत बड़े फालतू है सर, हमें कोई फर्क नहीं है। हमारे भी कर लो, हमने भी शेव की हुई है। ये जो तू पोज बना रहा था ना, नवाब साहब को मिल गया ना अंधेरी गली में, तेरा दुम्बा बना देंगे वो। शराबियों के मुंह सूंघ सूंघ के हमारा खुद का मुंह दारू की बोतल जैसा हो जाता है। बस मेरी माँ कहती थी, बेटा एक दिन तू पुलिस में जाएगा, एक दिन बस हफ्ते में एक दो बार चला जाता हूँ उनके पास। वो है कौन? मैं जी, अगर बता दिया तो आप बाहर निकाल देंगे। हाउ कैन आई डू फॉर यू? शमशेर सिंह दे रहे हैं, रख लो वरना थप्पड़ मार के दे दूँ। मैं तो हंसता हूँ, मेरी मैं थाईलैंड का लगने लगता हूँ, छोटी हो जाती है। बाहर झगड़ा हो गया, कोई 50-60 लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। किस तरफ? जल्दी जाओ ना। किस तरफ झगड़ा हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। तो मैं इस तरफ निकल लेता हूँ। सुनो ना, क्या बोलते इसको ऐसे? मेरी किस्मत देखो, मुझे सामने से ऐसा हो रहा है और इन्होंने ऐसे किया तो मैं ऐसे हो गया। डर गया। चलिए, क्या प्रैक्टिस किया? आपकी फिल्म देखी दिल्ली बैली रेडियो पे, काबिले तारीफ फिल्म। उसमें गालियों में जो आपने स्टोरी फिट की है, 300 रुपया खर्च करके माँ बहन करवा के आऊँ मैं। कोई एक खूबी बताइए जो करीना में है जो किसी और में नहीं है। इन्हीं की शादी सैफ अली खान से हुई। आप कुछ कह रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रहा था जी, मैं तो वैसे ही आया था, मैंने कहा चाय वगैरह लेंगे आप? पहले यहाँ काम करता था, मेरे पास पैसा कोई नहीं था, मैंने कहा इनके घर काम करता हूँ, बाद में पता चला इनके पास भी कुछ नहीं है। यहाँ पर मेरी कोई बहन नहीं है। तो जाएगा तो ख्याल करो। नहीं सर, वर्दी ठीक है, पता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ सर, आप ठहरे सिंगम, मेरा क्या है कि मैंने वर्दी जो है रिवर्सिबल बनाई हुई है, अब मैं इसको भी उल्टा करके पहनूंगा तो अंदर से मैं डाकिया बन जाऊंगा। अच्छा, तुम्हें पता है मैं अपने मुंह से भी आग निकाल चुकी हूँ एक बार। कब? कैसे? एक तो हर चीज उल्टी करती है, इधर चूल्हे में भूख मार रही थी, भूल गई मैंने दारू पी हुई है। मैं तो अपनी बीवी को भी बहन की तरह मानता हूँ। ये है सिंघम? ये सिंघम है? नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो वर्दी किराए पे देता हूँ। एक दूसरे के ऊपर ही सोते हैं ना, तो सबको एक ही सपना आता है। आओ इधर बैठ जाओ जी, कुर्सी की जगह कोई जांग रख गया। वैसे खुशी इस बात की हो रही कि जो मैंने बोला वो पूरा हो गया, और दुखी इस बात का कि मैंने अपने लिए क्यों नहीं बोला। मेरा डांस मरहूम भी कर लेते हैं। आप क्या बकवास कर रहे हैं? अब तुम 3 लाख लेके बकवास कर सकती हो, मैं 1.5 लाख लेके भी ना करूं। एक सॉफ्टवेयर आया था बीच, किसी के नंबर को मैसेज भेज सकता था, तो मैंने अमित जी के नंबर से परात को रात को 10 बजे मैसेज भेजा कि सुबह 5:30 बजे आके मिलो। तो ये सुबह 5:30 बजे पहुंच गए कि क्या हो बच्चन साहब? इतनी सुबह सुबह तो इन्होंने कहा आपने बुलाया, मैं क्यों बुलाऊंगा? उनका मैसेज है तो वो भी परेशान है। बाद में मैंने उनको बताया था, उन्होंने भी सॉफ्टवेयर मांग लिया। जीती रहो, खुश रहो, भगवान तुम्हें इतनी लंबी उम्र दे, सारी दुनिया चली जाए, अकेली घूमती फिरती रहो। थैंक यू। तो एक बात बताओ, अगर तुम मेरे सिंघम हो जी, तो अगर गुंडों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया जी, तो तुम क्या करो? मैं पांचवी तरफ से निकल जाऊंगा। कॉमेडी फिल्में अच्छी लगती है? कॉमेडी फिल्में अच्छी लगती है। That's how you like me, I think. वर्दी खोलिए। क्योंकि ऐसा है, ड्यूटी के टाइम हम खोल नहीं सकते। करीना जैसी गर्लफ्रेंड साथ में होने से अच्छी ड्यूटी होती है कि अच्छी ड्यूटी करने पे ऐसी गर्लफ्रेंड मिलती है?
वो जो दिल वाले थी ना आपकी फिल्म जी, जब आपको रवीना छोड़ देती है मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसी वक्त बोल दिया था, मैंने कहा देखना एक दिन ये लड़का जितनी मोहब्बत करता ना, इसको रवीना तो क्या है, इसको करीना मिलेगी। मेरा नाम है मिठू कवाल, इसमें कौन सी हंसने वाली बात है। कि दुनिया में पेट्रोल के बाद अगर दूसरी को लड़ाई होगी तो वो करीना पे होगी। थोड़ी देर पहले 1000 वाट का बल्ब बताया जी, तो, जी है। तो फिर वैसा जनरेटर भी चाहिए जिससे 1000 वाट का बल्ब। अब कोई वोडका पी के निकला, कोई ब्रांडी पी के निकला, कोई रम पी के निकला, अलग अलग ब्रांड मिक्स हो जाते हैं, हमारा अपना हैंगओवर हो जाता है। मैंने आपको छेड़ा, छेड़ के बताओ ये ऑफर है। ये कौन? हमारे यहाँ के बहुत बड़े फालतू है। सर हमें कोई फर्क नहीं है। हमारे भी कर लो, हमने भी शेव की हुई है। ये जो तू पोज बना रहा था ना, नवाब साहब को मिल गया ना अंधेरी गली में, तेरा दुम्बा बना देंगे वो। शराबियों के मुंह सूंघ सूंघ के हमारा खुद का मुंह दारू की बोतल जैसा हो जाता है। बस मेरी माँ कहती थी बेटा एक दिन तो पुलिस में जाएगा, एक दिन नहीं बस हफ्ते में एक दो बार चला जाता हूँ उनके पास। है कौन? मैं जी, अगर बता दिया तो आप बाहर निकाल देंगे। हाउ कैन आई डू फॉर यू शमशेर सिंह? दे रहे हैं रख लो, वरना थप्पड़ मार के दे दूंगा। मैं तो हंसता हूं, मेरी मैं थाईलैंड का लगने लगता हूं, छुट्टी हो जाती है। बाहर झगड़ा हो गया, कोई 50-60 लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। किस तरफ? जल्दी जाओ ना। किस तरफ झगड़ा हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। तो मैं इस तरफ निकल लेता हूं। बोलो ना। क्या बोलते हैं उसको? ऐसे मेरी किस्मत देखो, मुझे सामने से ऐसा हो रहा है और इन्होंने ऐसे किया तो मैं ऐसे हो गया, डर गया। तो चलिए क्या प्रैक्टिस किया? आपकी फिल्म देखी दिल्ली बैली रेडियो पे, काबिले तारीफ फिल्म, उसमें गालियों में जो आपने स्टोरी फिट की है। 300 रुपए खर्च करके माँ बहन करवा के आऊँ मैं। कोई एक खूबी बताइए जो करीना में है, जो किसी और में नहीं है। इन्हीं की शादी सैफ अली खान से हुई। आप कुछ कह रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रहा था जी, मैं तो वैसे ही आया था, मैंने कहा चाय वगैरह लेंगे आप। पहले यहाँ काम करता था, मेरे पास पैसा कोई नहीं था, मैंने कहा इनके घर काम करता हूँ, बाद में पता चला इनके पास भी कुछ नहीं है। हर चीज उल्टी करती है, चूल्हे में फूक मारी थी, भूल गई मैंने दारू पी हुई है। मैं तो अपनी बीवी को भी बहन की तरह मानता हूँ। ये है सिंघम? ये सिंघम है? नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो वर्दी किराए पे देता हूँ। एक दूसरे के ऊपर ही सोते हैं ना, तो सबको एक ही सपना आता है। आओ इधर बैठ जाओ जी, कुर्सी की जगह कोई जांग रख गया। वैसे खुशी इस बात की हो रही कि जो मैंने बोला वो पूरा हो गया, और दुखी इस बात का कि मैंने अपने लिए क्यों नहीं बोला। मेरा डांस मरहूम भी कर लेते हैं। आप क्या बकवास कर रहे? अब तुम 3 लाख लेके बकवास कर सकती हो, मैं 1.5 लाख लेके भी ना करूं। एक सॉफ्टवेयर आया था बीच, किसी के नंबर से किसी के नंबर को मैसेज भेज सकता था, तो मैंने अमित जी के नंबर से पराग को रात को 10 बजे मैसेज भेजा कि सुबह 5:30 बजे आके मिलो। तो ये सुबह 5:30 बजे पहुंच गए, क्या होगा बच्चन साहब? इतनी सुबह सुबह तो इन्होंने कहा आपने बुलाया, मैं क्यों बुलाऊंगा? उनका मैसेज है तो वो भी परेशान है। बाद में मैंने उनको बताया था, उन्होंने भी सॉफ्टवेयर मांग लिया। जीती रहो, खुश रहो, भगवान तुम्हें इतनी लंबी उम्र दे, सारी दुनिया चली जाए, अकेली घूमती फिरती रहो। थैंक यू।